सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समीचार्स ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ मस्त। तो करते हैं दिन की शुरुआत थोड़े काम के साथ, क्योंकि मतलब आज हमें लीपना है किचन, तो अभी लीपेंगे हम किचन। तो दिखाते हैं फिलहाल कि दीक्षु क्या कर रही है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे ये लगा रही है अभी झाड़ू, और फिर उसके बाद आज हम लीपेंगे। क्या लीपेंगे आज हम? किचन। इसमें गोबर भी है तो इसमें आप, तुम्हारे वहां खाली मिट्टी से लीपते हैं तो गोबर क्यों डाला इसमें? अच्छा, गोबर का सूखता नहीं है। तो यहाँ पर आज हम लीपेंगे खाली लाल वाली मिट्टी जो होती है उससे, क्योंकि मतलब ये बोल रहे गोबर से जल्दी से सूखता नहीं है, इसलिए हम खाली मिट्टी से लीपेंगे झाड़ू लगने के बाद, क्योंकि एकदम सफाई होनी चाहिए ना लीपने से पहले। और आज धूप भाई साहब इतनी मस्त आ रही है ना। उठाते हैं तो हमें ऐसे भी चलते हैं एक साइड को तो हम चले इसको उठाकर अंदर। भाई अभी भारी हो रहा है यार। तो चलो चले तो हम यहाँ पर लीपते हैं। बताओ, इसने आधा लीप भी दिया और इसने बोला था कि मैं नहीं लीपूंगी, मैं लीपूंगी। तमीज। इसमें गोबर की आवाज आ रही है। आई किसका उसको? मुझे पता है, बहुत ही भयंकर आवाज आ रही है। और लगा पानी। इसमें तो मेरे बाल भी लिप जाएंगे। वीडियो तो मैं भूल गई, बाल लहरा रहे ना। इधर को आ, इधर को आ, आप बाहर चले जाओ। कुछ आए नहीं दिए तू तो। अब डाल देते फूल ना, दाग अच्छे हैं। जय हो, हे बा, जय हो। किसने कहा तेरे को ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं तेरे को, तेरे को नहीं। गंदी बात, एक जगह बैठ के धोते हैं आराम से। ये लो, इनको भी धोना। हाँ, तो अभी दीक्षु और मैं जा रहे हैं इनकी भैंस को घास देने, भैंस और थोरी को। तो मतलब हमारे एक दादा है करण दादा, वो बोल रहे थे कि समीक्षा ने सब दिखाया, बस दीक्षु की भैंस नहीं दिखाई तो करण दादा आप अब दीक्षु की भैंस देख लेना। ये देखो,
देख रहे हैं ना दोनों के दोनों कि घास देने आएगी घर के। जय जरा भैंस के पास जाइयो, इतना डरती है ना, जा 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 जा, जैसे मुंडी कर रहे हैं जाइयो। लेकिन वैसे मारेगा, तू जा तो सही फिर एक बार अभी दे तू जाओ रोटी लेकर आओ। क्या तो उसको हम दे देते हैं घास, याद आया रोटी नहीं, मुझे भी याद आ गया था क्योंकि दो ही रोटी थी मामी ने खा ली थी। ये ले ले लो, ले खा लो, खा खा हाँ खा इतना खा लो खा हाँ। अब इसके लिए क्या होगा, ये नहीं खाती, ये घास खाता है क्या? हाँ खाता है घास, कहा मैंने देखा तो घास खाते हुए कल, देखो अभी घास के लिए जा रहा है, वो बोल रहे खाता है घास। और मतलब तो मामी ने बोला था कि यहाँ पर झाड़ू लगाना है और झाड़ू लगा के उसको बिछाना त्रिपाल को, फिर उसके ऊपर बिछाना मतलब धान फैलाने हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दिया मैंने और अब त्रिपाल बिछा के धान फैलाना है बस। तो करते हैं अभी हम काम। हमने धान और तो हमने फैला दिया है, अब देखते हैं अब क्या करना है, क्योंकि अभी मामा की कॉल आई थी तो मामा को कॉल करती हूँ और उसके बाद बनाना है साइज से खाना। वैसे तो अभी 10 ही बज रहे हैं, खाना तो 11:30-12 बजे तक बनेगा, तो मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि उनका काम है और फिर साइज से मैं अभी खेत में भी जाऊँगी, तो मिलते हैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर ये हो गई रेडी कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि आज इसका है पेपर। इधर तो देखिए पेपर देने, और मतलब उनके घर में भी कोई नहीं है खाना बनाने के लिए, तो उनका खाना बना रही हूँ मैं, क्योंकि मामी गई है मतलब आंगनबाड़ी और मामा है खेत में, तो इनका मतलब आज खाना मैं बना रही हूँ दाल भात, क्योंकि मुझे दाल में पता नहीं कितना पानी डलता है, तो दाल तो मैं बना दूंगी। पानी डालेगी दीक्षु और यहाँ आगे दाल देने वाले दादा, दाल दे दो, दाल दे दो। हाँ और मैंने यहाँ पर हो गया पिंपल, पर ये अच्छा लग रहा है। ये दाल यहाँ कौन सी चीज़ ले जाऊँ, पता नहीं कौन सी दाल बनानी है आपको, कौन सी दाल खानी है, कोई भी बना दो। हाँ जी अम्मा खान बनू पहले इनको बनाती फिर रख दूंगी। हाँ हाँ हल्दी रख लू को, ये इनका भी काट दिया ना मैंने, फिर रख ली हूँ बस। हाँ तो अभी अम्मा का ही बनाना है सब्जी, तो पहले यहाँ का बना देते हैं फटाफट। भाई साहब एक साथ मामी दो दो कट्टे लेके आ रही है, बाप रे किसकी धिनाई हो रही है ये, मामा लोगों के कट्टे दो दो ले। और यहाँ पर मामा लोग ने भी धान फैला दिया, और देखो लाल टमाटर जैसी और क्या मामी थक के यार। मामी कितने देर में बंद करना है भात, हाँ कब बनाने वाला था कह रहे, बल उसमें बहुत झमेला चावल पीसना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, तो मैंने एक सीटी में बस दाल बन जाती है, दाल बना दिया मैंने, बताओ। और मामा को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि मामा भी खेत से आए हैं, अभी नहाया है। अच्छा मामा ने मतलब मामा जब खेत से आए थे तो मामा ने मामा के कट्टे लेके आए थे, बोरी दो दो लेके आए थे शायद वो भी, और फिर उनके साथ एक और झने लेके आए थे, तो अब उन्होंने धान फैला दिए और फिर मामा ने नहाया और अब मामा खाना बना रहे हैं, और मैं बनाऊंगी अब रोटी मामी के लिए, क्योंकि मामी अभी कहीं गई है। आटा फ्रिज में है, तो हम बना लेते रोटी वाले मामा के घर में बन गया खाना, गुंजोर के वहाँ बन गया खाना, और दीक्षु ने तो अपने वहाँ बनाया खुद खाना, तो अब देखते क्या करते हैं। तो अभी बज रहे 3:30 और मतलब मामी ने बोला था कपड़े उठा देना क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, और अभी मतलब मामी ने बोला था कि धान भी उठाना है, तो यहाँ पर मामा और मैंने मतलब मिलकर धान उठा दिए थे,
और आज का मौसम मतलब फिर से ऐसा हो गया, मतलब अभी तक इतनी भयंकर धूप आ रही थी और अब फिर से ऐसा हो गया है। अभी हम जा रहे हैं पयान घास लेने, मैं, ये और दीक्षु। मैं तो उसके कंधे तक भी नहीं आ रही यार जबकि मेरे से इतना छोटा है, फिर भी मैं कंधे तक नहीं आ पा रही। चलो चले नील गगन में, गगन को सॉरी, चलो चले पयान की तरफ को। ओ, ओ, ओ। चलते हैं और लेके ये देखो। तो यहाँ पर ये और मैं पराव सारने आ रखे हैं और मामी यहाँ का इकट्ठा पराव बांध रही है, मतलब जो भी है। ये एक दिन में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा यार। थोड़ा ये लाएंगी, थोड़ा ये ले जाएगा, थोड़ा ये ले जाएगी और थोड़ा मैं आऊँगी। तो करते फटाफट काम और फिर चलते हम ले जाकर, लेकर मतलब जो भी है। तो यहाँ पर चिंटू बोल रहा है खाली मैं दो पू लेके जाऊंगा और मामी ने यहाँ पर सात पू रख दिया, उसमें से भी दो हटा रहा था। भले ही ले, चिंटू जुर्म हो रहा है ना। खच्चे नहीं खाने, उठाओ उठाओ, चलो उठाओ। अरे तसलाई भे तू ऐसे गर्दन में दर्द हो जाएगी। हाँ सर में रख, गर्दन में दर्द हो जाएगी चिंटू, सर में रख। तू समीर पा समीर हो यार, मेरी कमर टूट चुकी है पहले। आज तो मैं सो साला के बोल दे, मैंने नहीं बोलूंगी। मेरी मम्मी मेरा दम चढ़ पिचका देगी साला साली बोलने में। क्या समझा ठहरा तूने मेरे को? पहले तो मैं इसको पकड़ दी थी, इसको नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना। अरे ये तो हल्का हो रहा है रे, अभी ऊपर जाने तक आएगा ना। जब तो कोई सुने, चलो उसको ले जा, ले खाती थी। यहाँ से नीचे कूदना है, आराम से चल, बैठ के। तो ले फोन तो रख, बैठ के बैठ। घूम गई है बेचारी पूरा। तो यहाँ पर मैं और मामी आ गए हैं प्राव लेकर, और मतलब दीक्षु भी आ गई है और चिंटू पहले आ गया था। तो भाई साहब हमें हो गया हालत खराब और अभी पीते हैं हम पानी, क्योंकि थोड़ा रुकना चाहिए ना। तो कर देते हैं व्लॉग एंड। आई होप आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और ये आज मेरा लास्ट दिन है इनके वहाँ कल मैं जाऊँगी अपनी नानी के वहाँ। तो चलते हैं फटाफट और अंदर करते हैं और अंदर लेके आते हैं पानी, ठीक है? बाय।